Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Once again, I am back to direct and indirect speech. This is my second video. So, in the first video, I have given you some rules. Umeed hai aap log use dohraye honge, yaad kiye honge, but you have to remember the rules. Ab aaj hum start karte hain, pronouns and possessive adjective kaise change hote hain. Pronouns and possessive adjectives. And possessive adjectives. इसके भी rules हैं, जैसे John said, I wish to meet my friends. देखिए आई ये है प्रोनाउन, और माई ये प्रोनाउन नहीं है. चूंकि ये फ्रेंड को क्वालिफाई करता है इसलिए ये एडजेक्टिव है, और चूंकि ये पोजेशन शो करता है माई इसलिए पॉजेसिव है. सो पॉजेसिव एडजेक्टिव. तो देखने में दोनों एक लगते हैं लेकिन एक है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है पर वैसा है नहीं. तब इसके रूल्स क्या हैं? जब आई फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, और इधर माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये गवर्न्ड होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट से. तो आई इसका सब्जेक्ट से गवर्न होगा. तो जॉन का प्रोनाउन क्या है? ही. और माई का प्रोनाउन इसी से गवर्न होगा, तो ये बन जाएगा हिज. तो क्या चेंज होके होगा? जॉन सेड दैट ही wished to meet his friends. तो ये रूल है. कुछ सोचना नहीं है कि मैंने उससे कहा, वो उससे कहा, वैसे कुछ नहीं. उसमें रॉन्ग हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग में. स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पर्सन जब भी रहे तो जो भी इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही यहां होगा. जैसे मान लीजिए अब हम ये वर्ब को चेंज करते हैं सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो देखते हैं कैसे चेंज होता है. तो जब जॉन था तब यहां क्या हुआ? ही हुआ और हिज हुआ. अब अगर इसके बदले में यू रहेगा, यू सेड, तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा यू, और यहां क्या हो जाएगा? योर. अगर शी सेड रहेगा, शी सेड, तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा. अगर आई रहेगा, आई सेड, तो यहां क्या हो जाएगा? आई ही रहेगा, और यहां माई रहेगा. अगर यहां दे रहेगा, दे सेड, तो यहां क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा. तो यहां जो भी रहे, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो भी रहे, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो भी रहेगा वही यहां चेंज होके आएगा. अब आइए आगे दूसरा रूल.
जिसको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में दे कैन पुट अप द क्वेश्चन, आई शैल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट. जैसे जॉन सेड सेड टू मी, यू विश टू मीट योर फ्रेंड. अब ये यहां यू और योर, ये सेकेंड पर्सन है, ये भी सेकेंड पर्सन है. तो जब सेकेंड पर्सन रहेगा तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इससे गवर्न्ड होगा. तो जॉन और सेड टू चेंजेस टू टोल्ड. तो आंसर हो जाएगा जॉन टोल्ड टू नहीं रखा लिखाएगा, मी दैट क्या हो जाएगा, मी का यहां प्रोनाउन आई हो जाएगा, विश का विश्ड हो जाएगा, टू मीट माय फ्रेंड. समझ में आ रहा है? अब यहां जो भी रहेगा मी के जगह इसको मिटा के फिर हम करते हैं. अब मी के जगह अगर यहां जॉन सेड टू हिम, सेड टू हिम, तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम, जॉन टोल्ड हिम दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही विश्ड टू मीट हिज फ्रेंड. यहां हिज हो जाएगा, यहां ही हो जाएगा. अब अगर मी के जगह हो जाएगा देम, मी के जगह में सेड टू देम, तो जॉन टोल्ड टू नहीं रहेगा, देम दैट दे क्या हो जाएगा, दे विश टू मीट देयर फ्रेंड्स. अगर यू रहेगा यही, जॉन सेड टू यू, तो आंसर होगा जॉन टोल्ड यू दैट, यहां क्या हो जाएगा, यू योर फ्रेंड्स. तो हम क्या देखते हैं, जब भी ये सेकेंड पर्सन रहेगा तो सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब से गवर्न होगा, जो यहां ऑब्जेक्ट रहेगा. कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो आंख बंद करके मी दे दीजिए या अस दे दीजिए. अगर आप स्टूडेंट के रूप में यहां व्यक्त करना चाहते हैं तो आप द टीचर सेड टू अस. तो अगर अस रहेगा यहां, अगर अस रहेगा तो यहां आवर हो जाएगा, सेड टू अस हो जाएगा, यहां अस एंड यहां हो जाएगा आवर. तो कहने का मतलब कि जो भी यहां ऑब्जेक्ट रहेगा, यू अगर सेकेंड पर्सन है, यहां यू या योर या योर सेल्फ, तो जो यहां रहेगा वही चेंज होगा. आंख बंद करके, एनी प्रॉब्लम किसी को? अब आइए थर्ड पर्सन, और सेड टू चेंजेस टू टोल्ड.
याद रखिए, जब भी सेट टू में ऑब्जेक्ट है तो सेट टू चेंजेस टू टोल्ड, ये हमेशा याद रखिएगा। अब अगर थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहने से नो चेंज इन प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे जॉन सेड, he wish to meet his friends, तो ही थर्ड पर्सन है, his थर्ड पर्सन, this will be governed by no change, तो John said that he wished to meet his friends. So उम्मीद है ये रूल, सेट ऑफ रूल्स पसंद आए होंगे आप लोगों को। अगर पसंद आता है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलते रहे, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।